हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अनन्या। ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ हेयर स्ट्रेटनर्स का। तो मेरे पास दोनों ही हेयर स्ट्रेटनर है, जैसे कि फ्लैट आयरन और ये स्ट्रेटनिंग ब्रश। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसके प्रोज और कॉन्स। तो अगर मेरा वीडियो आपको इन तक अच्छा लगे तो मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो काफ़ी दिनों से मैंने ये फ्लैट आयरन जो स्ट्रेटनर से मैंने यूज़ किया है और उसके बाद जब मार्केट में अवेलेबल हुआ मैंने ये स्ट्रेटनिंग ब्रश खरीदा है। तो ये फिलिप्स का स्ट्रेटनिंग ब्रश है जो मुझे अराउंड पड़ा था 2500 का। और ये जो मैं अभी फ्लैट आयरन यूज़ कर रही हूँ ये है नोवा का, जो कि है अराउंड 600 या 700 का शायद मुझे पड़ा था ये। तो मार्केट में जो भी, मतलब अगर आप ब्रांडेड लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा तो महंगा पड़ ही जाएगा, जैसे फ्लैट आयरन हो गया, आपको फिलिप्स का अगर आप स्ट्रेटनर के साथ कर्लर लेते हैं तो उसका आपको 1500 से 2000 के बीच में उसका रेंज आ जाएगा। तो मार्केट में सारे प्राइसेस ही अवेलेबल है, जैसे अगर आप थोड़ा ब्रांडेड लेना चाहते हैं, जैसे जिसमें स्ट्रेटनर प्लस कर्लर है फ्लैट आयरन में, तो वो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा, आपको 2000 में पड़ जाएगा। और ये अगर फिलिप्स का आप थोड़ा ब्रांडेड लेंगे ब्रश तो भी आपको 2500 का पड़ेगा। अगर आप कोई भी नॉर्मल स्ट्रेटनर भी खरीदेंगे तो आपको थोड़ा कम रेंज में पड़ जाएगा। तो मैं प्राइसेस कंपेयर यहाँ पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे प्राइस रेंज में ये स्ट्रेटनर्स अवेलेबल होते हैं। अभी मैं बेसिक चीज़ें कुछ बताने वाली हूँ, जैसे हीटिंग के एरिया में दोनों ही बहुत अच्छे से काम करते हैं। वेट में ये थोड़ा सा हल्का है, ये थोड़ा सा हेवी है, लेकिन अगर पकड़ने में आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। स्ट्रेटनिंग ब्रश जो है थोड़ा सा ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है मैं बताऊंगी, क्योंकि ये जो है आप कॉम की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप डेली कॉम करते हैं वैसे आपको हेयर में कॉम करना है और अराउंड 15 to 20 मिनट्स में आपका जो बाल है पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। जैसे फ्लैट आयरन में बहुत ज़्यादा फाइन स्ट्रेटनिंग होता है, उतना फाइन स्ट्रेटनिंग आपको इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन जो है आपका स्ट्रेटनिंग अच्छे से हो जाएगा, जो कि लुक वाइज आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ्लैट आयरन का एक इशू है जो मैं बताना चाहती थी, शेयर करना चाहती थी आपके साथ, जो है सेफ्टी इशू थोड़ा हो जाता है कि अगर उंगली आपके प्लेट में लग जाए तो फिर आपका हाथ जल सकता है, जो मेरे साथ एक बार हुआ था। फिर इससे पहले मेरे पास फिलिप्स का जो है एक कर्लर प्लस स्ट्रेटनर था जिसमें बाहर का जो बॉडी था वो गर्म हो जाता था कर्लिंग के लिए। तो एक दिन अचानक से जो है बाहर प्लेट पर मेरा उंगली लग गया और बहुत ही बुरी तरह से जल गया था। तो ये आपके साथ हो सकता है अगर आप कोई कर्लर प्लस स्ट्रेटनर खरीदे तो। और अगर आपके घर में कोई बच्चा है और ये आप हीटर ही ऐसे छोड़ दे और गलती से किसी बच्चे ने टच कर लिया तो वो भी एक थोड़ा सेफ्टी इशू हो जाता है। स्ट्रेटनिंग ब्रश में वो इशू नहीं है क्योंकि ये इसमें जो है सेरेमिक कोटिंग है, जिसके वजह से आपका जो आप इसको हाथ भी देंगे तो आपको ऐसा कुछ गर्म नहीं लगेगा। तो ये एक सेफ चीज़ हो जाता है आपके स्ट्रेटनिंग ब्रश में। तो आपका जो बाल है वो ज़्यादा अच्छा स्ट्रेटनिंग तो आपको फ्लैट आयरन से ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें आपको अराउंड 30 to 45 मिनट्स लग जाता है क्योंकि थोड़े थोड़े बाल लेके आपको स्ट्रेट करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लग जाता है, लेकिन आपको फाइन स्ट्रेटनिंग मिलेगा। स्ट्रेटनिंग ब्रश में जो है वो आपको थोड़ा सा वेवी आपका हेयर रह जाता है, जैसे आपको फाइन एकदम जैसा आपको फ्लैट आयरन में मिलेगा एकदम फाइन स्ट्रेटनिंग वैसा नहीं होगा, थोड़ा सा वेवी आपका रह जाएगा जैसे। लेकिन इसका जो है इजी टू यूज है, मतलब आप ऐसे कॉम कीजिए तो अच्छे से आपका हेयर कॉम की तरह ही आपको, कॉम्बिंग की तरह ही आपका ये स्ट्रेट हो जाएगा और फिर आपका जो है आपका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा कि थोड़ा सा वेवी रहेगा, जैसे मेरे हेयर आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ थोड़ा सा वेवी रहेगा तो मुझे लगता है वो ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इन ऑल मैं बताना चाहूँगी कि इसमें फ्लैट आयरन में आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर काम करना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है और जो है आपको कंसंट्रेट करके थोड़ा करना पड़ेगा ताकि आप पूरा जो बाल है एकदम कवर कर सके थोड़ा थोड़ा स्ट्रैंड्स लेके। लेकिन स्ट्रेटनिंग ब्रश में जो है आप पूरे बाल को कॉम करते हुए आराम से बैठ के कॉम्बिंग जैसे आप करते हैं वैसे आप इसको स्ट्रेट कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ये स्ट्रेटनिंग ब्रश का एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगी जो है थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो जाता है, मैंने जो फेस किया है वो है कि जैसे आप कॉम कर रहे हैं और आपका जो कुछ स्ट्रैंड्स है वो टूट जाता है ना, तो वो इसके बीच में जाके अटक जाता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है निकालने में, साफ करने में।
तो ये एक प्रॉब्लम मैंने फेस किया, क्योंकि जब भी मैं इसे मैं कॉम करके करके फिर इसको स्ट्रेट करती हूँ तो स्ट्रेटनिंग तो मेरा अच्छे से हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब मैं इसको देखती हूँ इसमें बहुत सारे बाल इसमें पूरा अंदर अंदर की तरफ चला जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है बाद में, मुझे उसको निकालना पड़ता है पिन से, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए तो प्रॉब्लमेटिक है। ओवरऑल मैं बताऊँ तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप स्ट्रेटनिंग ब्रश खरीदे, क्योंकि स्ट्रेटनिंग ब्रश जो है बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है यूज़ करने में, इसमें कोई सेफ्टी इश्यूज़ भी आपका नहीं होता है, आप कहीं भी इसको छोड़ सकते हैं कंपेयर टू आपका जो है फ्लैट आयरन। और जो भी अगर आप फ्लैट आयरन भी यूज़ कर रहे होंगे तो ठीक है, तो इसमें भी बहुत अच्छा आपको आयरन तो मिल ही जाता है, थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, बस इतना ही है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप स्ट्रेटनिंग ब्रश खरीदे तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, आप इसको खरीद लीजिए। और जो कोई सोच रहे कि नहीं मेरा फ्लैट आयरन ही ठीक है, तो वो भी सही है, आपको अभी खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में आप स्ट्रेटनिंग ब्रश थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना कॉन्वीनियंट है यूज करने में। तो मैं यहीं पे अपना वीडियो खत्म करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको और कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए है इसके बारे में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं तो आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो इसमें मुझे DM कीजिए, फॉलो कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल ऑल्सो, और मुझे ढेर सारे लाइक्स कीजिए। अभी के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और कोविड गाइडलाइंस जरूर फॉलो कीजिए, घर में रहिए, सेफ रहिए।